नमस्कार, आइए हम समझते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्राप्त एनसीईआरटी के गणित अधिगम किट जो कि आपको इस तरह के बॉक्स में मिला है, इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा परिचित हो गए। इस बॉक्स का सबसे पहले अगर उपयोग करें तो आप यहां देख सकते हैं कि 12 तक की गिनती यानी घड़ी का एक ये रिप्लिका है। साथ ही साथ इसके कलर, इसके शेप के बारे में हम बच्चों से बात कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इस गणित अधिगम किट की ये पुस्तिका आपको मिली हुई है और साथ ही साथ ये एक पेपर शीट मिला हुआ है जिसमें मेंशन है कि आपको इस बॉक्स में गणित किट में क्या मिला है। ये गणित किट एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई है विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 के लिए। आइए हम समझते हैं कि इस गणित किट में क्या क्या है। इस गणित किट में आपको जो सामान मिलने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से ठोस आकृतियां हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां 20 ठोस आकृतियों का ये बॉक्स है जिसमें आपके जो है इस ठोस आकृति को अगर हम और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं तो ठोस आकृतियों में घन, घना, शंकु, बेलन, डिस्क, गोला ये सभी है। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक दूसरे से चिपकने वाले बने हैं, यानी अगर आप इनको एक दूसरे से जैसे कुछ पट्टियां होती हैं, बैग होते हैं, उनको आप चिपका सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण करके दिखाता हूं कि ये आपका एक बना हुआ शंकु है। इस शंकु में आप देखिए कि ये जो इसके शेप है ये निश्चित रूप से आपको चिपकाने वाले हैं। आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ऐसे आप विभिन्न तरह की आकृतियां बच्चे बना करके खेल सकते हैं। अब इसी में आप चाहे तो एक जो है छोटा छोटा और इसके बहुत सारे जैसे ये मान लीजिए कि ये डिस्क है क्वाइन के रूप में, आप इसका छोटा छोटा उपयोग कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिलेंडर भी बने हैं, सिलेंडर का भी आप उपयोग करें। तो ये कुल मिलाकर के 20 ठोस आकृतियां हैं जिससे मैंने आपको ये उदाहरण दिया। इस तरह से विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों का निर्माण कर सकता है बच्चा, जैसे ये है। अब आप इस पे इसको ऐसे बना दीजिए तो ये इस तरह का एक शेप बन जाएगा। कुल मिलाकर के हम इससे विभिन्न इंटरटेनिंग शेप बना सकते हैं। कुर्सी में, अभी एक जगह मैं गया था तो वहां के शिक्षक ने इससे जो है सोफा बनाया था बच्चों की मदद से, तो बच्चों ने सोफा बनाया, बच्चे बहुत खुश। मुझे लगता है कि इस 20 आकृतियों का प्रयोग जो एक दूसरे में स्टिक हो सकते हैं, इसका उपयोग बच्चों के कल्पनाशीलता को बल देने के लिए बेहतर किया जा सकता है। आइए हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं। ये टाइल्स, इस टाइल्स में 3 रंग के टाइल्स आपको मिल रहे हैं जो 240 की संख्या में, जैसे ये ब्लू है। अब इससे आप इस ट्रे में आपको देखिए, आपको इस बॉक्स में 2 ट्रे मिले हुए हैं, एक ये ट्रे मिला हुआ है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे मिला हुआ है। इस ट्रे में इन टाइल्स को हम सजा सकते हैं और आप इन टाइल्स को सजा कर, जैसे ये मल्टी कलर टाइल्स है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहाँ इसको रख सकते हैं। एक बच्चा है, बच्चा पैटर्न बना सकता है, इस तरह की डिजाइन बना सकता है, वो कलर बदल सकता है, दूसरे कलर का जैसे ये येलो कलर का ले लिया या हमने रेड कलर का ले लिया। हम इससे बच्चों को पैटर्न की समझ दे सकते हैं। और साथ ही साथ जरा गौर करिए कि अगर हम इसको बना रहे हैं तो आपको त्रिभुज भी दिख रहा है, तो बच्चा इस तरह की टाइल्स का उपयोग करके बहुत सारे पैटर्न की समझ डेवलप कर सकता है, काउंटिंग को डेवलप कर सकता है। और द्विमितीय आकृति जो एक प्लेन में बनती है, जैसे कि उदाहरण के लिए रंगोली है या कोई अन्य चीजें हैं, वो इस तरह के पैटर्न से इसकी समझ विकसित कर सकता है। ये आपको 240 मिला हुआ है, सबके लिए कैरी बैग है, आप इस कैरी बैग में इसको रख सकते हैं। आइए हम एक और बिंदु पर बढ़ते हैं जो बहुत खूबसूरत है और वो है स्टम्पिंग पैड। ये आप देखिए स्टम्पिंग पैड है जिसमें 7 तरह के पात्र हैं और 2 डिजाइन है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये देखिए, आप इसको देख रहे होंगे ये पत्ते जैसा बना है, तो जब हम इसको स्टम्प पैड पे लेकर के पेपर पे लगाते हैं तो जैसे जो रंगोली की डिजाइन है तो उस तरह से अब बच्चा ऐसे 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 करके वो बहुत सुंदर सुंदर बना सकता है। साथ ही साथ ये देखिए क्यूब का है, वो स्क्वायर बना सकता है ऐसे शेप करके, या अगर उसे मान लीजिए सेमी सर्कल बनाना है तो सेमी सर्कल भी ये है, इसमें डिजाइन है। या अगर आप रेक्टेंगुलर शेप लेना चाहें या ट्रायंगुलर शेप लेना चाहें, इवन दैट
ये स्टार जो होता है जिसको बच्चे लेकर के बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि मैंने हमको 3 स्टार दिया, 2 स्टार दिया, तो इसका उपयोग हम इसको कर सकते हैं। इसका प्री पैड एक इंटरेस्टिंग है, ये एक 2 डिजाइन इस तरह की भी आपको मिली हुई है। इसका प्री पैड में जैसे इस पर मछली बनी हुई लाइन है, तो हमने जो छोटे बच्चे होते हैं लाइन का अभ्यास कराते हैं या उनको एक हैप्पीनेस पर बातें करते हैं, तो इसको लेकर के वो इस पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है स्टम्पिंग पैड से। आप देखिए गणित में जब भी हम बच्चों से बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारी चर्चा का बिंदु होता है और वो होता है इंगेजमेंट। आप चाहें गणित के शिक्षण में बच्चे को हम किस तरह से इंगेज करें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके लिए आप 2-2, 4-4 बच्चों का ग्रुप बना करके अपने निर्देशन में आप उन्हें पूरी स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने कल्पना क्षमता का उपयोग करें। अगर मैं बात करूं कि ये देखिए यहाँ से बहुत सुंदर है, वो ऐसे घर भी ऊपर नीचे पैटर्न बना सकते हैं, एलो रेड। इससे अगर आप अगला पूछेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट, अगला क्या है, तो फट से बच्चा एलो रखेगा। या आप अगर 3 कलर का यूज कर रही हैं, एलो रेड ब्लू, फिर आपने लिया एलो रेड, अब बच्चा खुद उठा करके ब्लू रख देगा कि मैडम जो है ये ब्लू दे दीजिए। इतना ही नहीं, टाइल्स पे मैं देखूं तो आपको मैं दिखा रहा हूँ टाइल्स की, देखिए 3 तरह के से जो है साइज है, ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है और ये बहुत छोटी है। कहने का मतलब इससे बड़ा छोटा का भी हम उसको समझ दे सकते हैं। ये जितनी एक हमें मिली हुई है ये बहुत ही यूजफुल है। अगर हम इससे थोड़ा सा और बात करते हैं, अगला जो है वो मनी माला है, मैं जरा हूँ हाँ मुद्रा का। आप देखिए क्योंकि हमारे जीवन में क्वाइंस, आप देखिए इसमें बहुत सारे क्वाइंस कितने हो गए, 5। इसका मतलब बच्चे से अगर हम ये पूछे 5 का कोई और है क्या टास्क, तो अब आप देखिए ये बच्चा क्या देखेगा, दोनों में 5 है, आप देखिए तो बच्चे को ये समझ में आया कि 3 और 2 हो या 4 और 1 हो तो भी हमारा उत्तर 5 है, या अगर ऐसे इस तरह से आप रखती है तो 4 और 1। यानी जो हम लोग मैथ के बड़ी क्लास में क्रम विभेदन की बात करते हैं, 1 और 4 और 4 और 1, या 5 का उत्तर आने के लिए जरूरी नहीं है कि 3 और 2 ही दिया जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, 5 के साथ 0 का भी इसमें आपको डाउनलोड में है तो आप उसको भी दे सकती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इसको आप बच्चों को देखिए बहुत सारे डाउनलोड कार्ड आपको टोटल 55 कार्ड मिलेंगे, इससे एक और काम आप कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, अब बच्चा इसको क्या करेगा, ये 4 है और ये 1 भी नहीं, यानी दिस इज 0, 1 भी नहीं है मतलब 0। तो बच्चा लिखेगा कि मैडम यहाँ 4 है यहाँ 0, 0+4 हो गया, इसी तरह से इसको 3 और 0 होगा। तो ये डॉमिनोज कार्ड का हम उपयोग कर सकते हैं और डॉमिनोज कार्ड से पैटर्न संख्या का ज्ञान इन चीजों का कर सकते हैं। मैं यहाँ एक पर्सनल सजेशन ये देता हूँ लोगों को कि जो आप ये डॉमिनोज कार्ड है इसी के साथ एक संख्या कार्ड भी आपको मिलेगा बेटा, ये डॉमिनोज कार्ड के साथ आप देखिए कि ये संख्या कार्ड भी है। अब मान लीजिए कि हमने बच्चे से बोला कि बेटा जो ये है आप निकालो ये कितने, तो 3, 0, 3, 10, 1, 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
से जोड़ भी सकता है, लेकिन ये तीन है, सात, एक आठ हो गया और ग्यारह हो गया, तो इन दोनों को मिला करके वो इंगेज होगा। एक और चीज होता हूँ, इस संख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है बेटा, आप लोगों के लिए ही हम बता रहे हैं, इसको समझ लो, जिससे भी चीजों को होगा तो ठीक है, एकदम थोड़ा सा हम विचार रखेंगे, समझेंगे, ठीक है, बोलेंगे, उसके बाद हम आपको ये कराएंगे, ओके। तो हम लोग थोड़ा देर शांत रहेंगे, गुड, वेरी गुड। देखिए चार तरह के आपको डाइट है, एक में केवल डाइट जैसे हमारी डाइट लूडो में पास होते हैं, ये जीरो से फाइव तक की गिनती है और इसमें फाइव से टेन तक, और इस पर आपको देखिए माइनस, घटा और सब्सट्रैक्शन, जमा, ऐड और प्लस का सेट, यानी हमने इसमें से बच्चों को क्या किया, कोई भी दो कार्ड दिया, हमने कहा दो निकालो, उसने दो कलर का कार्ड निकाल लिया, पैटर्न बनाया, एक निकाला और आठ निकाला और इसको उसमें फेंक दिया। मान लीजिए जो पांच है
यहाँ से आ गया कि भाई चलो ये 8 आ गया ऊपर, इसमें से मान लीजिए 5 आ गया ऊपर और यहाँ से प्लस आ गया, तो 8 5 और जो जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 13। तो यहाँ से बच्चा जो है 13 का कार्ड निकालेगा। हमने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी है और उन्हें इंगेज करके जिससे वो उन चीजों को सीखे। इसके साथ ये डायग्नोस कार्ड के साथ मैंने संख्या कार्ड की भी बात की है। ये जो संख्या कार्ड है ये आपको 1 से 50 तक का मिला है और ये मल्टी कलर है, तो बच्चे इसमें 1 से 50 तक की गिनती निकालेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो आप देखिएगा, आप खुद समझेंगे कि ये जो ब्लू कार्ड या कोई भी आप कार्ड आप निकालेंगे तो इनके बीच में एक पैटर्न आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको दो पैटर्न देखिए 7 17 43 47, तो इससे बच्चा समझ रहा है कि हर के बीच में जो 10 10 का गैप आ रहा है, यानी अगर आपने रखा तो अगले बार आराम से उसको पता है तो 7 और 17 के बाद 27 आ रहा है, अगर वो 50 तक की गिनती जानता है तो वो अपने आप सोच रहे। तो हम इस पैटर्न का उपयोग करके बच्चों को जोड़ घटाने की समझ और पैटर्न की समझ यहां से कर सकते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक। अब देखिएगा ब्लॉक में जब आप इस बच्चों को ये ब्लॉक्स दे देंगे तो ब्लॉक्स में बच्चे करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें कई कलर के ब्लॉक्स, बच्चा मान लीजिए बनाना है तो ये ऐसे जोड़ता जाएगा। बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, और ये ऐसे जोड़ेगा और मैं इसको दिखा रहा हूं आपको ये कैसे जुड़ेगा। अभी देखिए ये जो साइन, ये बच्चा जो है इंडस्ट्री वे में चाहिए मल्टी कलर जोड़ सकता है, वो दो इधर ले गया। और ये दो इधर, अब बच्चा इंटरटेनमेंट किया लेकिन उसे पता है कि किसी का सिंबल आप प्लस, लेकिन इसी में सोचिए अगर ये बच्चा ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़ के और इस तरह का एक कार्ड डेवलप कर लिए तो आप देखिए क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है बच्चों को पूरी फ्रीडम दी। अब देखिए किसी तरफ बच्चा अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है, अपने घर में गया है, तो वो जो एक चिन्ह है जिसको लेकर के, हाँ स्वास्थ्य का चिन्ह जो है उसको लेकर के उसके मन में एक कॉन्सेप्ट हो रहा है और वो देखिए इसको ऐसे जोड़ सकता है। हमें करना क्या है, बच्चों की जो तात्विकता है, शक्ति है, उसे एक नया आयाम देना है और उससे बोलना है कि ये कार्ड जो, जैसे मैं देखिए थोड़ा सा निर्माण करने की जगह में हूँ, आप देखें इनकम्प्लीट है, तो बच्चे के मन में जो भी आए, वो चाहे इसे रोबोट बना दे, वो चाहे इससे सिंबल बना दे, वो चाहे इसे कोई भी त्रिविंगी आकृति जिसे वो जानता हो जीवन में वो बना सकता है। ब्लॉक्स के बाद हमें पासे मिले हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी चर्चा किया आपसे, ये 4 पासे हैं। 4 पासे के बाद हम अगर देखते हैं 2 मिनट आप बैठ जाइए, उसके बाद जो है स्थानीय मान के कार्ड है जिसमें हमने ये देखा था, स्थानीय मान का कार्ड मैंने देखा था ये, इसमें देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए। इसमें 3 तरह के कार्ड, ठीक है, इसमें देखिए 3 तरह के कार्ड, एक छोटा वाला, एक मध्यम, ओके आप बोल दो सर को 2 मिनट बैठ लीजिए, बोल दो 2 मिनट को बैठे और ये मान, ठीक है ये है और मैं सबसे बड़ा। अच्छा मान लीजिए हमने बोला कि 23 बनाना है, तो हो सकता है बच्चा सोचे कि ये थी, अच्छा ये बताइए बच्चे को कि पकड़ना कर कल की तरह से पकड़ना, अभी हमने बोला बच्चे को कि बच्चे के मन में 23 बनाना है, तो उसने 2 उठाया 3 उठाया लगाया, क्या दिख रहा है, 23 नहीं, उसने आगे पीछे किया, हाथ दर्द कर रहा है। अच्छा 1 मिनट बिठा लो, 1 मिनट, तो 2 और 3 है, तो 2 3 पे आप इसको बना सकते हो, किसको, बेटी को दे दो, बेटा आप ले लो, ठीक है। देखिए ये जो समझा रहे इसको ध्यान से, अब 23 के लिए उसको पता है कि बच्चा जब वो अगला बनाएगा तो निश्चित रूप से वो कौन सा लेगा, 2 0 वाला ये। अब देखिए ये कर्म वाला ये 2 था 3 था और इधर से, अब बच्चा जब इसको रखेगा तो ये देखिए पढ़ने में 23 आएगा। और अगर वो 123 बनाना चाहता है
अगर वो गलत कार्ड लेगा तो कभी नहीं बनेगा। चलिए हमने इसको जोड़ दिया 800 के। अब बच्चे को पता है दिस कार, ये 8 रुपए है, इसकी वैल्यू कितनी है 800, और इसके साथ ये 50 बेटा प्लीज। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इसका उपयोग करके बच्चों को संख्या की जो विस्तृत समझ है वो समझा सकते हैं। और नेक्स्ट इज द लास्ट, जो एक और है, दो पॉइंट है, वन इज द वॉच। हम पहले अभ्यास कैसे करेंगे, तुम स्कूल कब आते हो, तो ये हम उसने ऐसे आपसे बताते हैं दिस इज नाइन। तुम घर कब जाते हो, तो हमने जो किया उसके बाद हमने कहा कि चलो तीन बजे तुम घर जाते हो, तो हमने उसको तीन बजा दिया और ये समझाया कि दिस इज योर हॉलीडे। मतलब पहले आप कौन सी घड़ी बताओ जिसे वो जीवन में जानता, तुम कितने बजे सो के उठते हो, तो वो 7 बजे मान लीजिए सब कुछ करके उसने बताया तो आपने 7 बजे जा दिया। तुम घर पे खेलते कब हो, 5 बजे खेलता है तो आप इसे 5। पहले हम उसके परिचित के जो हैं उन पर बात करेंगे, जब बच्चा उससे फैमिलियर हो जाएगा तब हम हाफ एन आवर पे ये 5:30 का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। द लास्ट वन इज द वेरी बेसिक, ये रोग, ये रोग जो है 10-10 सेंटीमीटर का बना है, टोटल 1 मीटर का है और इसमें 10 प्लॉट। तो अगर बच्चे से हमने कहा इस मेज की लंबाई नापो, तो वो ये जान रहा है ये 10 है, तो इस रस्सी से वो नाप सकता है किसी भी चीज का, स्ट्रिंकी का, मेज का, या किसी बच्चे की हाइट नापी है तो वो यहां से नाप सकता है। तो हम बच्चे से बोल सकते हैं बेटा जिस बेंच पे जिस टेबल पे आप बैठे हो आप उसको भी हो बेटर। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हमने मुझे लगता है कि हमने मैथ के बारे में एक संक्षेप में चर्चा की है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा।